कि हमारे देश में कोई आतंकी देश आकर के उंगली उठाए और हमारे प्रधानमंत्री जी उठाए, हम उसके लिए मर जाएंगे। हम सीधी सभा बात है। रावल भुट्टो और जयशंकर के दरमियान जो के कता तालुकी कता कलामी हुई, उसके बाद इंडिया के मुसलमानों का एक रिएक्शन आया। गाइस, इंडिया के मुसलमानों ने कहा कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज नहीं बोल सकते, वो सादिक और अमीन है। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड आवर मदरलैंड, माय एडवाइस टू बिलावल भुट्टो, डोंट एवर कंपेयर ग्रेट कंट्री इंडिया विद हिज अनस्टेबल कंट्री। मुसलमान भी कहते थे भी हेट पाकिस्तान, उनकी बात बिल्कुल इंडियन मुस्लिम्स को भी पसंद नहीं आई बिलावल भुट्टो की। तब तक हर एक इंडियन मुस्लिम बोलता रहेगा कि भी हेट पाकिस्तान। उनसे अपना देश तो संभल नहीं रहा, हमारे देश में आके वो टिप्पणी ना करें। और माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर उन्होंने शब्द कहे तो भारत का मुसलमान और भारतवासी उनको मुंह तोड़ जवाब। उनको तहफ मिले और उन्होंने घर लेकर नहीं गए, उन्होंने वो चैरिटी थी जो भी थी बेच के उन्होंने वहां पे हिंदुस्तानी आवाम के लिए उन्होंने कहा जनाब इनकी वेलफेयर पे खर्च करें, तो हमारे इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। के माइक्रोसॉफ्ट वहाँ पे जा रहा है, रॉकस्टार वहाँ पे जा रहा है, अमेज़न वहाँ पे आपके सामने इतना ज्यादा बढ़ चुका है। वहाँ पे पाकिस्तान में क्या, हमारे यहाँ पे अमेज़न के 13 लाख अकाउंट बैन होते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद। बार फिर जो है ये साबित किया है कि वो अभी तक मैच्योर नहीं हुए हैं और इस किस्म की बातें जो है वो उनको जेब नहीं देती। ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब की तरफ से की गई। एवरी मुस्लिम ऑफ इंडिया फील प्राउड टू बी एन इंडियन। जय हिंद। देखिए, it doesn't matter what Bilawal Bhutto believes or what he thinks is right and what he thinks is not right, but the fact is ek manners hoti hai, ek lehza hota hai bolne ka. ye Pakistan parliament to tha nahi, ye United Nations platform tha, wahan pe jaake is tarah se kisi aur country ke prime minister ke bare mein baat kar, I mean wo hame as Indian Muslims kuch to dignity de deta Bilawal Bhutto ke kya hum bewakoof hain ki agar wo sachmuch agar butcher hota of Muslims to kya unko itne votes se hum jita rahe hote? aapko kya दो टर्म्स जीते हैं बैक टू बैक, उसमें मुस्लिम वोट्स नहीं होंगे और सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट्स उनको गुजरात से ही आते हैं, तो क्या आर गुजराती मुस्लिम ज़ॉम्बीज़ के उनको नहीं पता कि ये बुचर है? और वहां पर बैठे बिलावल भुट्टो को पता है एंड हूज बिलावल भुट्टो, कौन से टेररिज्म की वो कौन से टेररिज्म को जुटलाने की बात कर रहा है? वो ही था ना जिसका जिसके ग्रैंडफादर बोलते थे कि मैं 1000 ईयर वॉर करूंगा इंडिया से। वॉर की बात कौन करता था? उसका ग्रैंडफादर 1000 ईयर्स की वॉर करने, 8 ईयर्स के अंदर उन्हीं की आर्मी ने उनको लटका दिया, फांसी दे दी। अच्छा, फिर उनकी मदर, शी इज द वन जिन्होंने ये वेनम इंजेक्ट किया कश्मीरी यूथ में, उनको कंफ्यूज करके रख दिया, उनको टेररिस्ट कहा, मतलब इनडायरेक्टली बाय कॉलिंग, बिकॉज पाकिस्तान ने वर्ल्ड मुजाहिद को इस कदर इरोड करके रखा है, डिग्रेड करके रखा है। द वर्ड मुजाहिद इज अ वेरी प्योर वर्ड, बट देखो पाकिस्तान ने उसको कैसे यूज किया, मुजाहिद। ओके, और कश्मीरियों को मुजाहिद बोल के, लिटरली शी वॉज द वन, उनकी माँ थी, हु स्पार्क्ड दिस एंटायर कॉन्फ्लिक्ट इन हर तकरीर। एंड जब भी मैं, आई एम सॉरी टू से, बट उनको कितनी, उनकी माँ को कितनी कश्मीरी माओं की बदुआ लगी होगी, क्योंकि उनकी बातों की वजह से कितने कश्मीरी नौजवान बहक गए और उन्होंने गन्स उठा ली, पेंस छोड़ के गन्स उठा ली। तो आप समझ सकते हैं इन दिस सिचुएशन, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सच वर्ड्स जिससे दो नेशंस के बीच जो पुराने जो जख्म थे वो भर जाए, इंस्टेड ऑफ दैट उसके बदले में उन्होंने क्या किया? और जख्म खुरे दे इस तरह की बातें करके। देखिए, किसी भी नेशन की बात कीजिए, आखिर एंड ऑफ द डे अगर मोदी जी की ऑपोजिशन भी यहाँ पे कोई है, एंड ऑफ द डे हु इज गोइंग टू लाइक कि हमारी देश की गरिमा, हमारी देश की इज्जत, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को कोई इस तरह जाके वहां पे उनकी इज्जत को उछाले इंटरनेशनली? हु इज गोइंग टू लाइक इट? नोबडी विल लाइक इट, नॉट अ सिंगल। वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वी अस अस यू नो अस मुस्लिम्स, वेदर वी आर इन पाकिस्तान और वेदर वी आर इन इंडिया, वी आर टेररिस्ट। ही कैन नॉट अस हिमसेल्फ इन टू अस बाय जस्ट बिकॉज ही इज अ मुस्लिम, ही डजंट बिकम वन ऑफ अस। एक इंडियन मुस्लिम बनने के लिए जो सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं, जो जो इंडियन मुस्लिम्स ने जो सैक्रिफाइस दी हैं आज तक टू बी कॉल्ड इंडियन मुस्लिम्स, दे डिड नॉट कन्वीनियंटली गो टू द अदर साइड जब पार्टीशन हुआ था। दे हैड फेथ ऑन देयर हिंदू ब्रदर्स, दे स्टिल हैव फेथ इन द यूनिटी ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दे स्टिल हैव फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड नो मैटर वॉट, वो मर जाएंगे लेकिन खुद को गद्दार नहीं कहलवाएंगे। वरना आपको याद होगा शाहीन बाग के मुसलमान भी कहते थे वी हेट पाकिस्तान। So to be an Indian Muslim, it is essential that you hate Pakistan. I'm sorry about that. जब तक पाकिस्तान does not take some steps के अपनी तरफ से इंडिया के बारे में इज्जत से बात करे और इंडियन हुकूमत के बारे में इज्जत से बात करना शुरू नहीं करती पाकिस्तानी हुकूमत, तब तक हर एक इंडियन मुस्लिम बोलता रहेगा कि we hate Pakistan. And this is quite bad because we are neighbors and we should not be hating each other. But what I'm trying to say is, why is he saying we, us? Why is he including himself in us? He should not. He is not one of us. If he wants to be one of us, he has to hate Pakistan. Can he do that? He can't do that. So then he should not talk on the behalf of Indian Muslims. जय हिंद दोस्तों। तो देखा किस तरह भारतीय मुसलमानों ने पाकिस्तानी बिलावल भुट्टो को आड़े हाथों लिया और किस तरह उसे उसकी औकात दिखा दी। इसी तरह भारत में एकता बनाए रखिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय हिंद लिख के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।